Good morning, all of you. Good morning. Good morning, all of you. Good morning. My dear friends, ऐसे कितने लोग हैं जिनसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है? जल्दी से हाथ ऊपर करें. अरे वाह, बहुत कम लोग हैं. तो आप लोगों तो इंडिविजुअल घर पे आके मैं मिलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज आनंद ठाकर. आनंद ठाकर नाम है मेरा, कॉमन टू अनकॉमन, जो कि हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सी, प्यारी सी और मोहब्बत कर बैठे ऐसी एक कंपनी है. और बेसिकली वी आर इन द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग सक्सेस स्टोरीज एंड ट्राइंग टू बिल्ड अ वंडरफुल सोसाइटी टू लिव इन. इसमें बोलो तो ऐसे बोलो कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी आवाज है, इसके बाद से तुम्हारा गला एकदम गले का कैंसर होकर के खत्म हो जाने वाला है. तो तब से लेकर के आज तक मैं कभी भी बीवी के साथ में भी बात करता हूँ, कहीं भी बात करता हूँ, बीवी बोलती है मारी जोर तो धीमे बोलो, उनकी धंधो वाली ठीक है, वो भी बड़ी परेशान सी रहती है. तो ऑलवेज स्पीक लाउडली. आने वक्त में जिस इंश्योरेंस एडवाइजर के अंदर उत्साह ना हो, मैं हमेशा कहता हूं वो एक मरे हुए शरीर की तरह है कि जो शरीर दिख रहा है लेकिन साला उसके अंदर आत्मा नहीं है. जिस इंसान के अंदर, जिस इंश्योरेंस एडवाइजर के अंदर जोश ना हो, जुनून ना हो, पागलपन ना हो, दीवानगी ना हो, उत्साह ना हो, तालियां ना बजाए, सीटियां ना मारे, चिल्लाए नहीं, वो उस भीड़ से वहां से उठ करके यहां कभी नहीं आ सकता. और यदि यहां आना है तो ये सारी चीजें करनी ही पड़ेगी. यार ये में ऑलवेज कीप स्माइलिंग, कभी भी मुंह फुला करके बैठना नहीं है. वो साली मरी हुई बिल्ली वाली शक्ल जो होती है ना, वो शक्ल कभी नहीं रखनी. औरत भी उसकी परेशान रहती है, अबे तो आज मारा बापा. वो अपनी औरत के सामने भी इतना दुखी रहता है, उसको बेचारे को डाउट रहता है कि आशीष तो हमारा शॉपिंग करवाना रुपया मांगी. इसलिए अपनी टेंशन दिखाते रहता है कि जो हमारे पास पैसा न दूंगे लो दुखी, पैसा न दूंगे लो दुखी. तीसरी बात, हमेशा चकाचक होकर के घर में ऐसे कपड़ा पहन करके, मस्त कपड़ा पहन करके घूमना है. ऐसे घूमो जैसे मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, याद करो तुमने जिंदगी में प्रतीक ने शादी वाले दिन, विराट ने शादी वाले दिन सूट पहना होगा. जिस दिन आपने सूट और टाई पहनी है तो आप स्टेज पे खड़े रहते हैं और लोग आ आ करके आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के चांदले का कवर हाथ में देते देते कि नहीं देते. जब जब आपने सूट पहना है तब तब पैसा मिला है. अगर पूरी जिंदगी में एक बार सूट पहनने से चांदला मिलता है, LIC धंधे में रोज सूट पहनना चालू करो साला, रोज लोग चांदला देंगे तुमको. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक तुमने बड़ी गंदगी के साथ में की हुई है वो होती है तालियां. तालियां हमारे जोश की ना निशानी है. जिस आदमी में जितनी जवानी बरकरार होती है ना, उसकी तालियों में उतनी खनक होती है. यदि ताली बजाने के बाद तुम्हारे हाथ लाल नहीं होते तो समझ लो कि शरीर के अंदर खून नहीं पानी दौड़ रहा है, अंदर गर्मी नहीं एकदम बर्फ दौड़ रहे, ठीक है. यदि ताली बजाने के बाद हाथ सफेद के सफेद रह जाए तो समझ लेना चाइना का माल और तुम्हारा वारंटी खत्म हो चुका है. एक मीटिंग में था ना, तो किसी ने मेरे को बोला, एक आदमी जोर से, हर मीटिंग में कोई ना कोई तो ऐसा फंडर बैठता ही है कि जो ये सोचता है कि आपने अपनी होशियारी मारवानी, एक कहता है नीचे तो देखा रोज, तो एक आइटम वो बहुत ही गेवरी थे. मेरे को बोलता है कि बोले साहब आपको मालूम है तालियां कौन ज्यादा बजाता है? मालूम है प्रतीक के पिताजी जैसे हंस रहे हैं ना, ऐसे ही पूरा हॉल हंसने लगा. उसने जैसे ही बोला, और करीब पौने 200 लोग थे, मालूम है मेरी हालत उसके इस सवाल से और लोगों की हंसी से ऐसी हो गई जैसे द्रौपदी की हुई थी कौरव और पांडवों की सभा में, जब उसके चीर खींचे जा रहे थे. मेरे को लगा इस आदमी ने भरी सभा में मेरे को बेइज्जत कर दिया. बोले यार आनंद भाई आपको मालूम है तालियां कौन ज्यादा बजाते हैं? लोगों ने ठहाके लगाना चालू किया. मैं बोला बिल्कुल मेरे को मालूम है, लेकिन तुम मेरे को एक चीज बताओ कि तुमने वो ताली बजाने वाली जो जाति है समाज की, उसको तूने बस स्टॉप में देखा होगा, रेलवे में देखा होगा, टोल नाके पे देखा होगा, दुकानें के उद्घाटन पे, तेरी शादी पे, तेरे बच्चे के पैदा होने पर, हर जगह तूने देखा होगा. लेकिन तू आज तक कितनी हॉस्पिटल में गया होगा, कितने डॉक्टरों के पास में गया होगा, क्या आज तक तूने उस ताली बजाने वाले को किसी डॉक्टर के सामने खड़े रहकर के दवाई लेते हुए देखा है? सिर्फ एक वजह है कि ताली बजाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है. नौ सेकंड में ऐसी ताली बजानी है कि हथेलियां लाल होनी चाहिए. जिनकी मैडम बगल में बैठी है आप अपने हस्बैंड की हथेलियां चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा भाई साहब में.
है कि नहीं है? ठीक है, चलिए आपका समय शुरू होता है अब। ईश्वर का आज एक बात के लिए धन्यवाद देना ये चाहता हूँ कि ईश्वर ने आज मुझे इतनी प्यारी टीम से मिलने का मौका दिया। थैंक्स चिंतन भाई, मुझे इस लायक समझा कि मैं इस जबरदस्त टीम के साथ में बातचीत कर पाऊँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे मतलब आज मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य जो है वो ये है कि मुझे आज जनक बहन भट्ट से मिलने का मौका मिला, जो कि चिंतन भट्ट की मम्मी है। मैं उनको सही में मैं चाहता हूं कि पूरी LIC को जनक बहन का धन्यवाद करना चाहिए कि जिन्होंने अपनी कोख से चिंतन भाई जैसा एक होनहार औलाद पैदा की है ना। जनक बहन के लिए एक जोरदार ताली है। यदि मैं 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट जो भी हम बात करते हैं, शायद कोई बात भगवान ने यदि इस लायक मुझे बनाया कि शायद मेरी कोई बात आपके काम आ जाए तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और जैसा चिंतन भट्ट साहब ने 11 MDRT का टारगेट बनाया है ना, वैसे कॉमन टू अनकॉमन का अब हमारा टारगेट, हमारे हम पूरे दिन 24 घंटा यहाँ पर लटका के चलते हैं। जब भी करके बाहर निकलता हूँ इसे लटका करके चलता हूँ कि कॉमन टू अनकॉमन का टारगेट ये है कि 31 दिसंबर 2019 तक में कॉमन टू अनकॉमन 100 ऐसे लोगों को MDRT क्वालिफाई करवाएगी जिन्होंने आज तक MDRT नहीं किया। ये हमारा टारगेट है। गिफ्ट करेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ 14 महीने हुआ है LIC में काम को शुरू किए। मैंने 26 जनवरी 2017 को पहला सेमिनार किया था, 14-15 महीने के आसपास का समय हुआ है, लेकिन इन 14-15 महीनों के समय में LIC ने मुझे इतना नाम, इतनी इज्जत, इतनी शौहरत और इतना सम्मान दिया है कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे LIC को जल्दी से कुछ वापस करना चाहिए। और जल्दी मतलब मैं आई बिलीव इन स्पीड, मैं कभी भी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस इस फंडे में मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ। वो कहानी इतनी गंदी और इतनी बेकार कहानी है कि एक जंगल के अंदर एक कछुआ रहता था, धीरे धीरे एक बार खरगोश रहता था और खरगोश ने कछुए को बोला कि चल कछुए अपन रेस लगाते हैं, और कछुआ पागल मालूम नहीं दारू पी के बैठा होगा तो उसने खरगोश से रेस के लिए हाँ बोल दिया। आज तक मेरे को इसका लॉजिक समझ में आया नहीं है। खरगोश को कछुए ने हाँ बोल दिया कि चल रेस लगाते हैं, ठीक है। और फिर हमको कहानी में ये बताया गया, आप सभी लोगों ने बचपन में सुनी होगी, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं सुनाऊंगा उसको, लेकिन वो कहानी ये बताती है कि फिर दोनों में रेस शुरू हुई, खरगोश ने भागना चालू किया, कछुआ धीरे धीरे करके भाग रहा था, और फिर हुआ ये कि खरगोश ने आगे जाकर के पीछे मुड़ करके देखा तो कछुआ कहीं नजर आ नहीं रहा था, तो खरगोश को ऐसा सोच आई कि क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे आराम कर लूं। खरगोश आराम करने के लिए लेटा और कछुआ धीरे धीरे दबे पांव आगे निकल गया और रेस जीत गया। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक इन सच काइंड ऑफ स्टोरी। इसकी लॉजिक क्या है? क्या ये कहानी मुझे ये सिखा रही है कि यदि मुझे जिंदगी में जीतना है, दौड़ करके जीतना है, तो मुझे खरगोश, ऐसे खरगोश के साथ में कॉम्पिटिशन करनी चाहिए कि जो बीच में सो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, वो दुनिया का आखिरी खरगोश था जो साला दौड़ते दौड़ते सोया था, और वो दुनिया का आखिरी कछुआ था जो खरगोश की बेवकूफी के कारण जीता था। आजकल दुनिया में दौड़ने वाला कभी रुकता नहीं है, सिंपल एज दैट। इस कहानी ने हमें जो सिखाया, इस देश के लोगों को जो सिखाया, वो ये सिखाया कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और ये सेंटेंस ने इस देश को इतना बर्बाद किया। हमें बचपन से लेकर के ये सिखाया जाता है कि बेटा कई माधोनी, धीरे धीरे बद्दू सारू थे जैसे भगवान सौ सारू कर से। इस मेंटालिटी के कारण तुम्हारे फेसबुक और व्हाट्सएप पे जितने भी ऐसे वीडियोस आते हैं ना, जहां पर एक आदमी स्पीड में बाइक चला रहा है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे कोई आदमी साइकिल लेकर के जंप मार रहा है, कोई गाड़ी स्पीड में चला रहा है, कोई बिना हाथ बिना पैर वाला आदमी स्विमिंग कर रहा है, कोई आसमान की ऊंचाइयों से करीब आधे किलोमीटर की ऊंचाई से कोई पानी में छलांग मार रहा है, ऐसे वीडियोस जब तुम्हारे पास में आते हैं तो उसमें नाम देखना, उसमें ना कोई आनंद होता है, ना कोई चिंतन होता है, ना कोई प्रतीक होता है, ना कोई विराट होता है। क्यों? उसमें जॉन फॉन ऐसे अंग्रेजों के नाम होते हैं। बिकॉज दे बिलीव इन स्पीड एंड वी बिलीव इन कछुआ। हरी हरी।
स्केटिंग पॉइंट हमें यही बताया जाता है हमें भी ऐसा मतलब कभी कभी हमारे माँ बाप कोई बच्चे को देखते हैं स्केटिंग करते हुए तो अपने को बोलते हैं अरे बेटा स्केटिंग करू ये हाँ पप्पा करू ये अच्छा ले बस बीजा दिवस साझे अपना मन स्केटिंग लेना आवे फिर क्या करते हैं जैसे अपन ने करना चालू किया और अपन करते करते गिर गए और घुटने छेल गए उसी दिन बोल देते कि आप एरिंग बाहर नहीं जवा लो और रूम जिटलू करो इटलू करो तो स्लो एंड स्टेडी नेवर विंस द रेस स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस इस कहानी ने बस आप एक बार सोच करके हमें जितने भी लोग हैं ना कई सारे लोग जब प्रतीक विराट यहाँ पर आकर के उनके परिवार को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा था जब प्रतीक के माँ बाप रो रहे थे जब विराट के माँ बाप की आंखों में पानी आ चुका था उस समय पर मेरे को नहीं मालूम तुम में से वहां बैठे कितने लोगों ने अपने अंदर एक आग पैदा करके ये डिसीजन ले लिया है कि यार अगली बार इस हॉल में बैठा हुआ कोई आए कि ना आए मैं जरूर आऊंगा यदि तुमने ये डिसीजन लिया है तो मां कसम तुमको कोई रोक नहीं सकता और यदि ये देखने के बाद भी तुम्हारा खून खोला नहीं है तो भी मां कसम तुम्हें कोई यहां ला नहीं सकता आर यू गेटिंग माय कई एजेंट ऐसे एलआईसी में पड़े हुए 15-15 साल हो गए उनको आज भी 10 पॉलिसी 12 पॉलिसी 15 पॉलिसी बोले सर धीरे धीरे बीएम थईसु धीरे धीरे डीएम क्लब थईसु धीरे धीरे जेडएम थईसु धीरे धीरे सीएम थईसु પછી વિચારીશું એમડીઆરટી માટે સાહેબ શું ઉતાવળ છે તમારે હજુ નોકરીમાં ચિંતન બી બહુ વર્ષો બાકી છે મારે હજુ તો એજન્સી સાહેબ હું તો આખી જિંદગી જ ચલાવી શકું યે જો મેન્ટાલિટી હે ના ઇસ મેન્ટાલિટી કે કારણ હમ જિસ પરિસ્થિતિ મેં પેદા હોતે હૈ કરીબ કરીબ ઉસી પરિસ્થિતિ મેં હમારી જિંદગી ખતમ હોતા